हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर आप IIT जैम असिस्टेंट प्रोफेसर, लेक्चरर, नेट, SRF, गेट या किसी तरह की मैथमेटिक्स से रिलेटेड कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो या MSc BSc कर रहे हो, तो उसमें किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, इससे रिलेटेड हम वीडियो बना रहे हैं। ये हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 7 है। इसमें हम पढ़ रहे हैं इसको सोल्व करना है x²y d²y(dx²) + xdy(dx-y)² = 0। अगर फिर इसको आप सॉल्व कर सकते हो तो वीडियो को रोक के एक बार सॉल्व करें और बाद में अपना आंसर मैच करें, और अगर सॉल्व नहीं कर सकते हो तो इसको सॉल्व हम कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे, अगर इसको सॉल्व करना है तो पहले इसको ओपन करना होगा। तो ये हो x²y d²y/dx²+x² और ये हो गया dy/dx²-2xy dy/dx+y²=0। जब इसको ओपन कर लिया, अब अगर हम देखें तो इसमें से अगर हम चाहें तो x² कॉमन ले सकते हैं दोनों में से, तो x² कॉमन आ गया, तो हमारे पास आ गया d²y/dx²+dy/dx, और यहाँ पे y भी है फ्रेंड्स, ये है और ये हो गया हमारे पास माइनस। और अगर ये देखें तो इसमें से हमने माइनस कॉमन ले लिया दोनों टर्म से, तो ये 2xy dy/dx-y² और ये हो गया हमारे पास =0। अब फ्रेंड्स ये हो चुका है। अब अगर हम x² का डिवाइड कर दें तो x² का डिवाइड करने पे ये हो जाएगा हमारे पास y dy/dx d²y/dx² + dy/dx, ये है हमारे पास माइनस, और ये अगर देखें तो 2xy dy/dx-y²/x² = 0। अब ये हो गया हमारे पास। अब इसको हम अगर ध्यान से देखें तो ये क्या है हमारे पास, ये है हमारे पास d/dx(y)dy/dx, क्योंकि अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो पहले इसको छोड़ेंगे, y को छोड़ेंगे, इसका करेंगे तो ये टर्म आ जाएगी d²y/dx², और जब हम इसका करेंगे तो हमारे पास ये फ्रेंड्स यहाँ पे स्क्वायर है, ये स्क्वायर, तो ये टर्म आ जाएगी हमारे पास dy/dx² तो ये आ गया हमारे पास माइनस। अब अगर इसको देखें तो ये है हमारे पास d ओवर ये है हमारे पास, यहां पे देखें तो y का हमारे पास डिवाइड हो रहा है, तो ये हो गया y²/x, ये है हमारे पास y²/x को अगर हम इसको ओपन करेंगे u.v फॉर्मूले से, पहले x को छोड़ेंगे और इसे करेंगे तो 2y dy/dx, अगर इसको ओपन करेंगे माइनस, उसके बाद y² को छोड़ेंगे, इसका करेंगे तो y²/x², तो ये हमारे पास ये टर्म, तो ये हो गया हमारे पास यहां से =0। अब अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं तो इंटीग्रेशन करने पे हमारे पास ये आ जाएगा y dy/dx - y²/x = c1, ये टर्म आ चुकी है। बट हमें इसमें y की वैल्यू निकालनी है, तो y की वैल्यू के लिए हमें और सॉल्व करना होगा इसको, तो और सॉल्व करते हैं इसको। अब फिर इस क्वेश्चन में अगर हम y² की जगह कुछ z मान लें, लेट y² = z, तो यहां से आ जाएगा हमारे पास 2y dy/dx = dz/dx, बट अगर 2 को इधर ले जाए तो 1/2 हो जाएगा, तो यहां से हम dy/dx को रिप्लेस कर सकते हैं, y dy/dx को रिप्लेस कर सकते हैं 1/2 dz/dx, और यहां से माइनस x/x तो रहेगा, y² को क्या माना हमने z, तो z/x और =, ये हमारे पास c1। अगर हम दोनों का दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दें 2 का, तो हो जाएगा dz/dx - z/x, और 2 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हो जाएगा 2z/x = 2c1। अब ये हो गया।
अब इसको अगर सोल्व करना है तो इसको सोल्व करने के लिए सिंपली हम किस तरह से कर सकते हैं, इंटीग्रेटिव फैक्टर की हेल्प से। तो इंटीग्रेटिव फैक्टर अगर इसका चाहे तो इंटीग्रेटिव फैक्टर क्या होगा, इंटीग्रेटिव फैक्टर होगा हमारे पास e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ माइनस टू अपॉन एक्स ऑफ डी एक्स। तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा हमारे पास e टू द पावर माइनस टू लॉग एक्स। इसका इंटीग्रेशन होगा वन अपॉन एक्स का, तो लॉग एक्स होगा, ये होगा तो ये होगा e टू द पावर लॉग एक्स की पावर माइनस टू, या यहां से हो गया एक्स पावर माइनस टू पर वन अपॉन एक्स स्क्वायर, यानी इसका इंटीग्रेटिव फैक्टर है वो है वन अपॉन एक्स स्क्वायर। तो यहां से सॉल्यूशन लिखना चाहे तो ये हो सकता है z डॉट इंटीग्रेटिव फैक्टर, यानी जो सॉल्यूशन होता है इंटीग्रेटिव फैक्टर डॉट q बराबर इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटिव फैक्टर डॉट rss में जो पार्ट होता है वो। तो यहां से अगर हम लिखना चाहें तो ये हो गया वन अपॉन एक्स स्क्वायर, और ये सॉरी q यहां पे इसकी जगह z इक्वल टू ये हो गया। अब इधर हम देखना चाहें तो इंटीग्रेटिव फैक्टर क्या है, वन अपॉन एक्स स्क्वायर, वन अपॉन एक्स स्क्वायर डॉट आर आर एन राइट हैंड साइड में, तो टू सी वन, तो ये हो गया हमारे पास। तो अब इसका इंटीग्रेशन अगर हम करना चाहें तो टू सी वन तो आगे आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन एक्स स्क्वायर का होगा डी एक्स, तो वन अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है टू सी वन माइनस वन अपॉन एक्स, ये हो गया प्लस एक कॉन्स्टेंट सी टू, तो ये हो गया। अब अगर हम एक्स स्क्वायर का दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा जेड बराबर ये हो जाएगा टू सी वन, और यहाँ एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर रहे हैं दोनों तरफ, तो जेड बराबर यहां से तो टू सी वन माइनस का एंड एक्स, क्योंकि जब ये एक्स स्क्वायर का करेंगे तो एक एक्स कट जाएगा प्लस सी टू एक्स स्क्वायर, या यहां से अगर हम लिखना चाहें इसको जेड की वैल्यू क्या थी वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर बराबर माइनस टू सी वन एक्स प्लस सी टू एक्स स्क्वायर। फिर इस तरह से हम डिफरेंशियल इक्वेशन के जो क्वेश्चन है, ये हमें क्वेश्चन काफी टिपिकल लग रहा था, पर सॉल्व किया तो इजीली इसका आंसर आ गया। तो इसी तरह से हम और क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम और एग्जाम्पल इसके लेंगे इसी तरह के, जो कि हमारे पास नेट गेट जेआरएफ या किसी भी कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं मैथमेटिक्स से रिलेटेड। थैंक यू फ्रेंड्स।